क्वेश्चन है, इन फिगर इफ एंगल इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एंगल बीडीसी एंड बीईसी। ठीक है, नाउ तो हम देखते हैं क्या बोला है इसने। इसने कहा ट्रायंगल एबीसी कौन सा है, देखो ए बी एंड सी, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस एवरी साइड में ये क्या बनाएगा, 60 डिग्रीज, है ना। तो आपका क्या हो गया, एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो वी कैन राइट इट एज इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो एबीसी इज अ ट्राइंगल, तो आपका क्या हो गया, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी एंड सी, ए बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल बी सी ए दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया 60 डिग्री, है ना, इक्विलेटरल है ना। अब आप देखो फ्रॉम ए की तरफ से अगर आप देख रहे हो तो ये देखो किसको कवर कर रहा है, कौन से आर्क को, इट कवर्स द आर्क ऑफ दिस बी से लेके सी तक, है ना। और आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बी डी सी पूछो, तो बी डी एंड सी, तो इसको भी अगर आप यहां से देखोगे तो इट ऑल्सो कवर्स द सेम आर्क। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज योर 60 डिग्री। ठीक है ना, तो वी कैन राइट इट एज हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। नाउ कम्स योर दिस बीई सी, तो ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप कोई भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया ए बी ई एंड सी, तो ए बी ई एंड सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इंस्टेड ऑफ ए बी ई सी आप ले सकते हैं डी बी ई सी ऑल्सो और डी बी ई सी। ठीक है, दोनों में से एक, तो हम ये वाला लेके चलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आपका क्या हो गया, देखो एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई क्या हो गया आपका, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, तो आपका हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल ए इज 60, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज 120 डिग्री। तो एंगल ई इज योर 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।